अगर हम बात करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पहले आप जरा इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या होता है शॉर्ट में इसको। ये तो बहुत बड़ा नाम है, तो शॉर्ट में इसको जो है IFR के नाम से जानते हैं। ठीक है, बार बार इतना बड़ा वर्ड नहीं बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इसमें शॉर्ट में हम IFR के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए ज़रा। अब देखिए, अब ये तीन वर्डों से मिलके बना है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात तो आपको ये समझना है, अबे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। ये तो हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं कि गई कहीं पे हम जब पैसा लगाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, निवेश कहते हैं, कहीं पे पैसे को लगाना। अच्छा, तो पैसा कौन लगा रहा है? पैसा लगा रहा है और जिसकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मालिक है, वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएशन का मतलब होता है परिवर्तन। किस चीज़ में जो है परिवर्तन। अब जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहीं पे 2 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है, 2 लाख रुपए का कहीं पे निवेश कर दिया, तो अब उसकी जो वैल्यू है वो भाई बढ़ भी सकती है और वो भाई घट भी सकती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, सुरभि, बढ़ना ज़्यादा अच्छा है या घटना ज़्यादा अच्छा है? आपके पास 2 लाख रुपए थे, आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, कुछ निवेश कर दिया आपने। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप पैसे से पैसे बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपने, चलो इन्वेस्टमेंट बढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा ना। बढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई, कॉमन सेंस की चीज़ है। तो आपने अपना पैसा कहीं लगाया है, अबे तो घटने के लिए थोड़ी ना लगाया आपने। आपके 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए बन जाए अगर, तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की चीज़ है। अपना कोई भी अगर जो पैसा है वो बढ़ाने के लिए कहीं इन्वेस्ट करता है, घटाने के लिए थोड़ी करता है। तो अगर 2 के 3 लाख हो जाएं तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर 2 के 1 लाख हो जाएं तो भाई फिर तो प्रॉब्लम एरिया है, फिर तो हानि है। तो फ्लक्चुएशन का मतलब होता है परिवर्तन, कि जो आपने निवेश करा है उसके मूल्य में परिवर्तन होना। उसका मूल्य बढ़ भी सकता है, उसका मूल्य घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर बढ़ा तो फिर तो बढ़िया है, लेकिन अगर घट गया तो प्रॉब्लम एरिया है। अब आप खुद सोचो, आपने बैंक में 2 लाख रुपए जमा कर दिए, अगर बैंक में रखे रखे वो पैसे 1 लाख हो जाए तो वो तो नुकसान है ना आपके लिए। भाई या तो 2 के 2 ही रहें या तो 2 से बढ़ें, हर कोई अपना पैसा बढ़ाना चाहता है, घटाना कौन चाहता है। तो पैसे का घटना जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो भाई नुकसान है आपके लिए, लॉस है आपके लिए। और रिजर्व का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका कोष। तो अब जरा ध्यान से समझिए, अब जरा क्या होगा, आपको एक बैलेंस शीट दे रखी होगी, बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान से जरा समझ लेंगे। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी होगी, ठीक है, और उस बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, ऐसे बैलेंस शीट होती है, ठीक है जी, और इस तरफ जो है परिसंपत्तियाँ होती हैं एसेट, और इस तरफ जो है लाइबिलिटी होती है। तो पहले अभी हम ये समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट होती है तनीषा, वो एसेट होनी चाहिए या लाइबिलिटी होनी चाहिए? आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करा है तो आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, परिसंपत्ति है या दायित्व है आपके लिए? ऐसे एसेट है। सही कह रही है ये अक्षिता, कह रही है एसेट है, सही कह रही है। अच्छा, अब भाई सिंपल सी बात है, लाइबिलिटी क्यों होगी, मुझे किसी को पैसे देने थोड़ी है, मेरा ही तो पैसा है। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो होती है एसेट। तो इन्वेस्टमेंट जो है इस तरफ होती है एसेट साइड पे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कहीं पे 2 लाख रुपए का निवेश कर दिया, ठीक है जी, तो ये बैलेंस शीट में आपको जो है ऐसे 2 लाख रुपए दिखाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो वैल्यू होती है जो हमारे चिट्ठे में दिख रही होती है, मतलब कि बैलेंस शीट के अंदर जो ये मूल्य दिख रहा है 2 लाख रुपए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। क्या कहते हैं इसको हम?
इसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है, जो मेरी बैलेंस शीट में मेरे एसेट और लाइबिलिटी का जो अमाउंट है वो बुक वैल्यू है 2 लाख रुपए का। अच्छा जी, ठीक है। वैल्यू जो है वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है बुक वैल्यू, एक तो होती है बुक वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू, MV और BV। ये हो गया मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू मैंने कौन सा बोला, जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है उसको बुक वैल्यू कहते हैं। लेकिन मार्केट वैल्यू कौन सी होती है, अब सिंपल सी बात है, ये तो मैंने अपनी बुक में रिकॉर्ड कर रखे 2 लाख रुपए। अब मार्केट के अंदर इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। मतलब कि अगर मैं इसको बेचने के लिए जाता हूँ तो वो जरूरी थोड़ी है 2 में बिके, मार्केट में वो उसकी वो 2.5 में भी बिक सकती है, वो 1.5 में भी बिक सकती है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट वैल्यू इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो अगर बहुत ज़्यादा ध्यान से ज़रा समझेंगे, बुक वैल्यू मैंने कितना है 2 लाख, मार्केट वैल्यू मैंने बोला इससे ज़्यादा भी हो सकती है और मार्केट वैल्यू मेरी बुक वैल्यू से कम भी हो सकती है। अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, मतलब मैंने जिस एसेट को अपने बैलेंस शीट के अंदर 2 लाख रुपए का दिखा रखा है, अगर मैं उसको सेल करने जाऊं वो 3 लाख रुपए का बिकेगा, तो बढ़िया है। तो फिर तो मज़े हैं, 2 लाख वाली चीज़ 3 लाख में बिक रही है। मैंने तो कम रिकॉर्ड कर रखा था, 2 लाख की चीज़ को 2 कर रखा था। लेकिन ये तो बढ़िया है, ये फ़ायदा है आपके लिए। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू 1 लाख हो जाए, 1 लाख जिस एसेट को मैंने अपने बैलेंस शीट के अंदर 2 लाख का दिखा रखा है, मार्केट में उसकी वैल्यू केवल 1 लाख रुपए है, तो ये आपके लिए हानि है। तो इस हानि से बचने के लिए, किस हानि से बचने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे ये वाली लाइन क्या कह रहा हूँ मैं, जिस इन्वेस्टमेंट की जिस एसेट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, अभी हम फिलहाल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पढ़ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट समझिए, जिस इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू आपने जितनी दिखा रखी है, अगर मार्केट वैल्यू उसकी डाउन हो जाती है तो वो आपके लिए लॉस है, वो आपके लिए हानि है। तो उस हानि से बचने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या बोला मैंने, दोबारा समझिए, मैंने बोला मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को अपनी बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए का दिखा रखा है, तो मैंने बोला कि अगर इसकी वैल्यू डाउन होके 1 लाख रुपए हो जाए मार्केट वैल्यू, तो भाई आपका तो 1 लाख का सीधा सीधा नुकसान है। तो आप इस नुकसान से बच सको, इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है इट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे कि इन्वेस्टमेंट तो बेटा यहाँ पे होगी, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहाँ पे होगा, रिजर्व यहाँ पे होते हैं लाइबिलिटी साइड, वर्कमैन भी, IFR भी, जनरल रिजर्व भी, P&L भी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बेटा 1 लाख का रिजर्व बना दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जरा ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने ये इन्वेस्टमेंट करी है वो ये कह रहा है कि ये तो बुक वैल्यू कितनी है 2 लाख, अगर इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन होते होते अगर 1 लाख तक आ जाएगी, 1 लाख तक, तो उसके लिए हानि है। भाई 2 लाख वाली चीज अगर 1 लाख पे पहुंच जाए तो वो उसके लिए हानि है। तो उस बंदे ने उस हानि को कवर अप करने के लिए जो रिजर्व बना दिया उसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहते हैं, क्योंकि उसको तो हानि हो रही है ना, तो उस हानि से बचने के लिए, उस हानि को कवर करने के लिए जो कोष, जो रिजर्व बनाया जाता है वो IFR है। और घटने में, घटने की वजह से, बढ़ने में नहीं, बढ़ने में क्या है, बढ़ने में तो मैंने बोला फ़ायदा है, 2 लाख वाली चीज़ 3 लाख की हो रही है फिर क्या दिक्कत है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़ने के लिए नहीं, जब घटेगा तो नुकसान होगा। तो जैसे जैसे वर्कमैन के अंदर केसेस होते हैं, ऐसे ही इसके अंदर भी केसेस होते हैं बेटा। केस 1, सबसे पहले तो आपको IFR क्या होता है, प्रीति IFR समझ में आ रहा है क्या होता है,
और ये क्यों बनाया जाता है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपैरिजन टू वर्कमैन कंपनसेशन, बट जितना इजी हो सकता था मैंने आपको बताया है। समझ में आया कि ये होता क्या है और क्यों बनाया जाता है? प्रीति, जी सर। अब आप जरा समझेंगे, इसमें भी सेम ऐसे ही अलग अलग सिनेरियो होते हैं जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे एक बैलेंस शीट बना देता हूँ, ठीक है। एक बैलेंस शीट हमने यहाँ पे बना दी है जिसमें हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है ये 2 लाख रुपए दिखा रखी है, तो ये क्या कहलाएगी? बुक वैल्यू। और एक हमने IFR बना दिया 1 लाख रुपए का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन होते 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 1 लाख तक गिर जाएगी तो वो लॉस मैं यहाँ से कवर कर लूँगा। तो पहला जो इसके अंदर केस होता है IFR का, प्रीति, IFR का अमाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? IFR का इसका अमाउंट प्रीति डेबिट होगा या क्रेडिट होगा बेटा? सर डेबिट होगा। क्यों होगा बेटा? क्यों होगा? क्यों होगा डेबिट? यहाँ बोलो, आप पहले पूरा सेंटेंस बोलो, आप क्या कह रहे हो? डेबिट होगा क्योंकि ये क्रेडिट, ये क्या, आप अपनी, आप अपना सेंटेंस समझो, आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो इसका अमाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये क्रेडिट साइड आता है, ये क्या सेंटेंस है? अभी तो ऊपर चिल्ला चिल्ला के बताया कि बेटा लायबिलिटी साइड जितनी भी चीज़ें हैं, ये अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा? P&L, वर्कमैन, IFR, जनरल रिजर्व, लायबिलिटी साइड पे ये जो जितने भी रिजर्व हैं सबका अमाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट क्योंकि ये लायबिलिटी साइड पे हैं, और दायित्वों का अमाउंट, लायबिलिटी का अमाउंट क्रेडिट होता है। इस तरफ एसेट साइड जो चीज़ें होती हैं उनका अमाउंट डेबिट होता है, लायबिलिटी साइड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका अमाउंट क्रेडिट होता है। कुछ भी हो, यहाँ पे एसेट आते हैं, यहाँ पे लायबिलिटी आती है, तो यहाँ जितनी भी चीज़ें होंगी वो कोई भी हो उन सब का अमाउंट डेबिट होगा, और यहाँ जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब का अमाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि लायबिलिटी का अमाउंट क्रेडिट होता है। तो जैसे वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर पहला केस होता है, ऐसे ही इसके अंदर भी है। नो इन्फॉर्मेशन इसको कहते हैं, या आप इसको जो है नो फ्लक्चुएशन भी, नो इन्फॉर्मेशन या नो फ्लक्चुएशन इसको आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं और कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे करा था सेम यहाँ पे बांट देंगे सारा का सारा। तो अभी मैंने बोला कि इसका अमाउंट क्या है? क्रेडिट है। क्रेडिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करना है? डेबिट। IFR हर एंट्री में डेबिट होगा, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन बटन ख़त्म करना है ना, उसको बांटना है, तो उसका क्रेडिट था तो ख़त्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही हम जितनी भी एंट्री पढ़ेंगे सब में IFR डेबिट ही होगा, बस आपको ये देखना है क्रेडिट क्या होगा। अगर साझेदारों में बांटना है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर फ्लक्चुएशन हुई, क्लेम वगैरह होगा तो उसका भी हम बताते हैं क्या लिखते हैं उसको। तो अभी ये बांटना है क्योंकि यूँ ही पड़ा हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नो फ्लक्चुएशन मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट पार्टनरों में बांट देंगे, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये बांट दिया जी। दूसरा केस समझिए, केस टू। केस टू के अंदर क्या है, मैंने बुक वैल्यू कितनी दिखा रखी है? 2 लाख। IFR कितना बना हुआ है? 1 लाख। अगर इसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए ही हो जाए तो क्या होगा? मैंने दिखा रखी है 2 लाख और मार्केट वैल्यू भी कितनी है? 2 लाख। तो क्या कोई परिवर्तन हुआ, कोई चेंज हुआ? आपने भी 2 लाख दिखा रखी है, मार्केट में भी 2 लाख ही है, नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में भी क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में भी सेम एंट्री पास होगी, सारा का सारा रिजर्व साझेदारों में बढ़ जाएगा क्योंकि कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। चाहे वो नो इन्फॉर्मेशन का केस हो, चाहे मार्केट वैल्यू उसी के बराबर है जितनी आपने दिखा रखी है, दोनों ही स्थितियों में पूरा का पूरा IFR साझेदारों में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं तो क्या करें। अब ज़रा समझिए केस थ्री। केस थ्री के अंदर क्या है, मान लीजिए
इसकी जो मार्केट वैल्यू है मैंने कितनी दिखा रखी है, मैंने दिखा रखी है 2 लाख, कितनी दिखा रखी है 2 लाख। अगर इसकी मार्केट वैल्यू 1,90,000 रुपये हो जाए तो क्या हुआ बेटा, 10,000 रुपये से डाउन चली गई वैल्यू, तो मेरे लिए नुकसान है ना। मैंने बोला जब डाउन जाएगी तो नुकसान है, मैंने जिस एसेट को 2 लाख का दिखा रखा है उसकी मार्केट में वैल्यू 1,90,000 है, 10,000 रुपये से कम हो गई, तो इस द, ये मेरे लिए लॉस है। इस लॉस से बचने के लिए मैंने कितने का रिजर्व बना रखा है, 1,00,000 रुपये का रिजर्व बना रखा है। लेकिन बेटा 1 लाख में से वैल्यू कितनी डाउन हुई, केवल 10,000, तो जो 10,000 की मुझे हानि हो रही है वो तो मैं इस रिजर्व से एडजस्ट कर लूँगा, बाकी के जो 90,000 रुपये हैं इसका क्या करूँ, ये तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये 10,000 रुपये हैं उसको हम क्या करेंगे, ये तो क्लेम में चले जाएंगे जो हम वहाँ पे क्लेम कहते थे। तो इसको इसमें क्या एंट्री होती है, इसमें एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्लेम वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखते कि प्रोविज़न फॉर फलाना ढिमकाना, यहाँ पे क्लेम की एंट्री ये होती है 10,000 10,000। लेकिन वर्कमैन में हम क्या करते थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वहाँ ये एंट्री होती है और यहाँ ये एंट्री होती है। और ये 90,000 रुपये तो यूँ ही पड़े हुए हैं, वैल्यू केवल 10,000 ही डाउन गई है, तो इस 90 का क्या करूँ, इस 90 का ये साझेदारों में बट जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, कितना अमाउंट 90,000। जो भी पैसा एक्स्ट्रा बच रहा है वो सारा पैसा साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और समझिए केस 4, अभी मार्केट वैल्यू कितनी डाउन गई, अभी मार्केट वैल्यू जो है वो डाउन गई आपकी, वो डाउन गई आपकी क्या कहते हैं 1,90,000 तक, ठीक है। अब दो तरीके के सिनेरियो जो हैं वो क्रिएट होंगे, ठीक है। अगर बेटा इसकी मार्केट वैल्यू, अगर इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाए, अगर इसकी मार्केट वैल्यू 2,50,000 रुपये हो जाए, 2,50,000 रुपये हो जाए तो क्या होगा, अभी वैल्यू घटी है या बढ़ी है सुरभि? मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को 2,00,000 रुपये का दिखा रखा था बैलेंस शीट में, और अब मेरी उसकी मार बढ़ी है, बढ़ी अब है। बढ़ गई, तो मैंने IFR किसके लिए बना रखा था, बढ़ने के लिए घटने के लिए? बढ़ने के लिए। अच्छा वहीं आके ना, अगर वहीं आ गया, अगर मैं अभी चिल्ला चिल्ला के क्या बताया है, IFR का मीनिंग क्या है सुरभि, IFR का मीनिंग क्या है, क्यों बनाया गया है IFR, क्यों बनाया गया है तनिषा IFR? अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर घट रही है उसके लिए बना है। अभी ऊपर क्या समझाया, बढ़ने के लिए नहीं, बढ़ना तो फायदा है, बढ़ने में क्या दिक्कत है, बढ़ रही है तो वो तो अच्छी बात है, घटने के लिए बनाया गया है। जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है आपको सारा का सारा रिजर्व बांट देना है, क्यों बांट देना है, अबे मैंने तो घटने के लिए बना रखा था ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा 1,00,000 का बांट देंगे, मैंने तो घटने के लिए बना रखा है, बढ़ने के लिए थोड़ी बना रखा है। और आप जरा ध्यान से सुनेंगे, पहले तो सारा का सारा रिजर्व बांट देंगे, ठीक है। और मैंने अपनी बैलेंस शीट के अंदर जिस इन्वेस्टमेंट को 2,00,000 रुपये का दिखा रखा है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में कितनी हो गई, 2,50,000। तो अगर बेटा मैं यार रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 से बढ़ गई, मतलब मेरे एसेट की वैल्यू, जो एसेट 2,00,000 रुपये का है वो मैंने मार्केट वैल्यू उसकी 2,50,000 है, 50,000 रुपये से मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। तो अक्षिता जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो किधर आना चाहिए बेटा, डेबिट साइड, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड, किधर आना चाहिए अभी? हाँ बड़ी डर के बोलिए, कहीं कोई गलत ना निकल जाए। हाँ तो इन जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है, अभी ऊपर समझाया था क्रेडिट साइड,
और लाइबिलिटी की बढ़ती है तो डेबिट साइड। तो भाई 50,000 रुपये एसेट की वैल्यू का बढ़ना किधर आएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आएगा। तो अगर मुझे इसकी जनरल एंट्री करनी हो प्रीति, तो क्या एंट्री होगी बेटा इसकी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 से बढ़ गई। तो अक्षिता बहन कह रही है कि भाई जी क्रेडिट साइड पे डाल दो इन्वेस्टमेंट के नाम से 50,000। अब मुझे इसकी जनरल एंट्री करनी है, तो कैसे सिखाइए प्रीति जनरल एंट्री, क्या देखते हैं प्रीति आवाज। हाँ, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है रिवैल्यूएशन? आप, मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि रिवैल्यूएशन ये जो कंपोनेंट है, ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। तो क्रेडिट साइड है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। भाई जो कंपोनेंट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड है, इट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। और जो कंपोनेंट रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे है, अभी ऊपर जनरल एंट्री सिखाई, जो डेबिट साइड पे उसमें रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, जो क्रेडिट साइड पे उस पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन होना चाहिए प्रीति, किसकी बात चल रही है यहाँ पे? एसिड बढ़ने की जनरल एंट्री बतानी है बेटा आपको। ये एसिड है ना, एसिड की वैल्यू बढ़ी 50,000 रुपये से। तो कैसे समझाया था कि ये जो है फर्रा निकाल ली हो क्या? अक्षिता क्या एंट्री होनी चाहिए बताना जरा। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिजर्व, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट। भैया मैंने एंट्री क्या बताई थी, एसेट क्रेडिट साइड है तो एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना, 50,000। 50,000 ये आ जाएगा यहाँ पे आपका। अच्छा जी ठीक है, अब मैंने बोला जी दोनों खाते तो बराबर होते हैं, अगर इधर 50,000 है तो इधर भी तो 50,000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई भी डिजिट नहीं है, तो इधर की बैलेंसिंग कम आ रही है। तो अगर इधर की बैलेंसिंग कम आती है तो उसको प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 50,000। तब जाके ये दोनों खाते क्या होंगे, तब जाके ये दोनों खाते बराबर होंगे आपस में। तो ये जो 50,000 है, ये प्रॉफिट हुआ मेरे को रिवैल्यूएशन में। तो सुरभि क्या एंट्री होनी चाहिए बेटा इसकी, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशो में बढ़ता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, पहले तो ये बता दीजिए। ओल्ड रेशो में, तो ये रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो क्या जनरल एंट्री बननी चाहिए? हाँ तो बोलो ना, क्या लिखूँ, क्या डेबिट लिख दूँ, बोलो क्या लिखूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, प्रॉफिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिन पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो भी साझेदार होंगे, जो भी रेशो होगी ओल्ड, उसमें मेरे को बांटना पड़ेगा। तो ये तीन जनरल एंट्री होगी, किसमें अगर वैल्यू बढ़ रही है, सारा का सारा रिजर्व बांट दिया है मैंने, सारा रिजर्व। और अब जरा समझिए केस फाइव, अब जरा ध्यान से समझिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों केस 4 और 5। अगर बेटा इसकी मार्केट वैल्यू, मेरे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर 80,000 रुपये हो जाए, 80,000 रुपये, मैंने अपनी बैलेंस शीट में अपनी इन्वेस्टमेंट को कितना दिखा रखा है, 2 लाख रुपये का, और उसके लिए रिजर्व भी बना रखा था 1 लाख का, कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख तक डाउन हो जाती है तो मैं यहाँ से कवर अप कर लूँगा। तनीषा भी वैल्यू कितनी डाउन हो गई बेटा, 1,20,000। अभी वैल्यू जो है 1,20,000 डाउन चली गई, आपको 1,20,000 का नुकसान हो रहा है अभी, क्योंकि मैंने जिस निवेश को 2 लाख का दिखा रखा है उसकी वैल्यू 80,000 है, और 1,20 से डाउन चली गई। मैंने तो कितना रिजर्व बना रखा था,
मैंने तो केवल 1 लाख का रिजर्व बना रखा था, तो अब क्या करें? ध्यान से समझिए जरा इसको भी। अब क्या करना है, 1 20 का आपको लॉस हो रहा है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, सबसे पहली बात तो 1 लाख रुपए जो हैं वो तो यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है? सारा का सारा क्लेम में चला गया पैसा, ये कह सकते हो आप 1 लाख रुपए का। ऊपर वाले में पहले 20 हज़ार रुपये, पहले 20 हज़ार रुपये जो है वो हाँ, कवर साइड पे मैं आ आपको जो जाएंगे। समझाना चाह रहा हूँ, पहले वो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या एंट्री करी थी, IFR डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, यहाँ मैंने सारा रिजर्व बांट दिया था साझेदारों में। क्यों बांट दिया था? क्योंकि यहाँ वैल्यू बढ़ रही थी, तो बढ़ रही थी तो वो रिजर्व तो बेफालतू का बना हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ बांट दिया था। लेकिन यहाँ मैं एंट्री क्या कर रहा हूँ, IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ वैल्यू घट रही है और बहुत ज़्यादा घट गई, इतनी घट गई कि मेरा रिजर्व भी कवर नहीं कर पा रहा। 1 लाख तो यहाँ से एडजस्ट हो गया। अब जो है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट अब मुझे जो है बनाना है, तो क्या कहते हैं, 1 लाख तो चलो यहाँ से कवर हो गया, बाकी जो 20 हज़ार है, 20 हज़ार से मेरे मेरे एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही है। किधर आता है एसेट का घटना, सुरभि? इधर आता क्रेडिट है, साइड, वहीं क्रेडिट आके साइड। बजा दूंगा मैं तुम्हें, डेबिट साइड आता है 20 हज़ार रुपये इधर। तो क्या कहते हैं, ये आ गया यहाँ पे 20 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट। तो क्या एंट्री होनी चाहिए तनीषा इसकी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। प्रीति सही कह रही है ये, बहना ये एंट्री बताइए इनने इसकी, कह रही है ये एंट्री कर दो, देख लो एक बारी, कंफर्मेशन दे दो तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। प्रीति आवाज़ आ रही है बेटा, ये इनने एंट्री सही बताई है, मेरे को तो गलत सी लग रही है, एक चीज़ गलत सी लग रही है। सही है, देख लो फिर, मैं फिर जब गलती बोलूँगा फिर क्या होगी। हाँ, देख लो एक बारी। अच्छा, रिवैल्यूएशन डेबिट क्यों हो रहा है? एसिड का घटना डेबिट साइड आता है। प्रीति बताएगी ना, प्रीति रिवैल्यूएशन डेबिट क्यों हो रहा है? प्रीति अनम्यूट कर लो, मैं पता है आवाज़ में सवारी है। बेटा एसिड का घटना डेबिट साइड आता है, इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, और बात किसकी चल रही है, एसिड की, और उस एसिड का नाम इन्वेस्टमेंट है। तो ये एंट्री ने सही बताई है। और अब क्या करेंगे, अब भाई ये दोनों खातों को बराबर करना होता है, 20 हज़ार 20 हज़ार, ये दोनों खाते बराबर होंगे, तो यहाँ पे जो है बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, लॉस कितना, 20 हज़ार रुपये का। तो प्रीति फटाफट एंट्री बता दो, लॉस की क्या एंट्री होनी चाहिए? प्रीति अनम्यूट कर लो, मुझे सब पता है आवाज़ आ रही है तुम्हें, अनम्यूट कर लो फटाफट। प्रीति हाँ, लॉस की एंट्री क्या होनी चाहिए ये बताओ, रिवैल्यूएशन इसमें डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है ये बताओ। बेटा डरने की तो कोई बात ही नहीं है, सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है, आप आपके सामने मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, बस यही तो देखना है कि रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है। सीधा सीधा तो दिख रहा है कि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे है, तो भाई रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा, तो अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन होगा बताइए। हाँ, बोलो ना, डर क्यों रहे हो? हाँ, साझेदारों में बढ़ता है प्रॉफिट और लॉस, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये होगा डेबिट, और कौन होगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 हज़ार 20 हज़ार, डर रहे हो तुम तो ये हो गए। इसमें इसमें 5 केस हैं, उसमें 4 केस हैं, और ये फोर्थ और फिफ्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जनरल एंट्रीज कैसे हो रही हैं,
ये मैंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करा है। और ये दोनों केसेस WCR और IFR आने वाले 3 चैप्टर तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ज़िंदगी हराम कर देंगे। तो प्लीज़ इसको बहुत ही अच्छे से, एक एक केस कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या जनरल एंट्री बन रही है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पुराने प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं ओल्ड रेशो में बढ़ते हैं, कैसे जनरल एंट्री होती है, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि ये दोनों टॉपिक और ये रीवैल्यूएशन आने वाले 3 चैप्टर में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, यही सब चीज़ें अब चलने वाली हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इसमें हमको एग्ज़ाम में देखने के लिए जो है मिल सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं इसमें हमको देखने के लिए मिलेंगे। एक मिनट रुकिए ज़रा। अब हमने जो है इसका सारा का सारा पढ़ लिया है, ठीक है। हमने जो है WCR पढ़ लिया, रीवैल्यूएशन पढ़ लिया, IFR पढ़ लिया। अब आप इसका कोई भी क्वेश्चन जो है क्या कर सकते हो, कर सकते हो। एक मिनट रुक जाइए बस। प्रीति, कुछ समझ में आ रहा है कैसे जनरल एंट्री हो रही है बेटा? प्रीति और अक्षिता, समझ में आ रहा है कुछ? जी सर, समझ में आ रहा है कि कैसे, क्यों वो डेबिट हो रहा है, क्यों वो क्रेडिट हो रहा है, बटने की क्या एंट्री होती है, क्लेम की क्या एंट्री होती है, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। WCR क्या होता है, उसकी क्लेम की क्या एंट्री है एंड बटने की क्या एंट्री है। क्योंकि अगर रटोगे तो अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम जो है क्रिएट करोगे। अगर समझ के करोगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है ईजी हो जाएगा आपको समझना। तो समझिए उस चीज़ों को कि भाई ये क्यों डेबिट हुआ, ये क्यों क्रेडिट हुआ। अब ज़रा देखिए, ध्यान से ज़रा समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से हम ज़रा देखेंगे। दिख रहा है क्वेश्चन, क्या नाम है, सुरभि क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ देखिए, कहता है जी ए एंड ए बी सी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये तो अभी आपको छोटे छोटे हैं, समझाने का प्रयास किया गया है। फिर जब हम आगे अभी एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ जब करेंगे तो उसमें हमें 3 अकाउंट बनाने हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। तो वहाँ ये दोनों चीज़ें WCR और IFR वहाँ दिखेगा आपको बैलेंस शीट में। तो यहाँ आपको इसने ट्रीटमेंट समझाइए कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ए बी सी साझेदार हैं जो कि अभी वर्तमान में 5, 3 और 2 के अनुपात में साझेदारी कर रहे हैं, और अब ये चाहते हैं कि भविष्य के अंदर अब ये अपना अनुपात चेंज करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं, अब पहले तो 5, 3 और 2 में साझेदारी कर रहे थे, लेकिन अब इनका मूड फिर गया, अब ये कह रहे हैं जी हम तो 2, 3 और 5 में साझेदारी करना चाहते हैं। तो प्रीति, यहाँ पे ओल्ड रेशो क्या है और न्यू क्या है? अच्छा, तो अब वो कह रहा है गिव द जनरल एंट्री, हमको जनरल एंट्री बतानी है। किस चीज़ की जनरल एंट्री बतानी है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है आपने 1,20,000 रुपये का एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब कि जब रेशो चेंज हो रही है तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर क्या है, आपकी बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,20,000 रुपये का। तो ये आपको इसकी जनरल एंट्री बतानी है कि इसका क्या होगा अगर दो केस हैं। पहला केस दे रखा है नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, और दूसरे में लिखा हुआ है देर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट इट। ये दो हैं, तो क्या बताया था बेटा मैंने इसमें आपको, नो इन्फॉर्मेशन और नो क्लेम, दोनों एक ही में बताए थे मैंने केस 1। दोनों ही स्थिति में नो इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ दिया ही नहीं, और नो क्लेम मतलब कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो ये 1,20,000 है, ये यूं ही का यूं ही बना हुआ है, सारा का सारा क्या कर देंगे, सारा का सारा साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो WCR क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि WCR क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि क्रेडिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए डेबिट करते हैं,
और किसको 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 मिलेगा? पार्टनरों को मिलेगा एबीसी, और किस रेशो में मिलेगा? ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो भी प्रीति ने बोला कि 5:3 और 2 है, तो 1,20,000 को 5:3:2 में विभाजित कर देंगे और ये हो जाएगा। पहले केस के भी यही एंट्री होनी है और दूसरे केस की भी यही एंट्री होनी है, दोनों की सेम एंट्री होगी क्योंकि दोनों में मैंने आपको बोला सेम ही होगा क्योंकि कोई क्लेम ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा, अब ज़रा ध्यान से समझिए। अब वो कहता है एक्स वाई और जेड साझेदार हैं और वर्तमान में 5:3:2 में साझेदारी कर रहे हैं, और अब वो चाहते हैं कि भविष्य में 2:3 और 5 के अनुपात में अब वो साझेदारी करना चाहते हैं। तो हमें जनरल एंट्री बतानी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बना रखा है 1,20,000 रुपये का जब रेशो चेंज हो रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्लेम है 80,000 रुपये का। मतलब कि आपने तो अपनी बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से 1,20,000 रुपये का रिजर्व बना रखा है, और एक्सीडेंट हुआ वर्कर का और मालिक को देने पड़े केवल 80,000 रुपये। 80,000। तो तनीषा क्या आप बता सकते हो क्या होना चाहिए बेटा इस स्थिति के अंदर? क्या बताया था मैंने अगर कुछ याद हो तो? आपने 1:20 का बना रखा है, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन 80,000 रुपये ही लगे हैं उसके अंदर केवल। कुछ बता सकते हो आप? जनरल एंट्री नहीं पूछ रहा, जनरल एंट्री नहीं पूछ रहा, बस ये बताओ होगा क्या। जो बाकी का पैसा है वो साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना पैसा बाकी का? कितना? 40,000। 40,000। और इस 80 का क्या करूं? ये एंट्री हो जाएगी। हाँ, ये इस 80 को क्या बोलेंगे? ये पैसा कहाँ जाएगा? क्लेम में जाएगा। ये पैसा क्लेम में जाएगा और जो 40,000 है वो कहाँ जाएगा? बटने में जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है ये। तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, एक एंट्री भी कर सकते हैं। भाई मैंने 1,20,000 का रिजर्व बना रखा है जिसमें से 80,000 का तो क्लेम है, ठीक है, 80,000 का तो क्लेम है, और 40,000 का क्या, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये वाला क्या करेंगे, इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना पड़ेगा साझेदारों में। तो ये केस वन वाली एंट्री होगी और ये केस टू वाली एंट्री हो जाएगी। सुरभि क्या एंट्री होती है क्लेम की बताना जरा। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, WCR डेबिट टू। इतनी मदद कर दी मैंने तुम्हारी, अब बताइए टू में क्या लिखूँ? WCR तो डेबिट होना ही होना है क्योंकि डेबिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्रेडिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए डेबिट करना है। टू में क्या आएगा? क्लेम वाला अमाउंट किस नाम? देखो कितनी चालबाज है बेटा। क्लेम का अमाउंट जाता है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, PWCC, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये याद रखना है। तो 80,000 रुपये क्लेम में और 40,000 रुपये बढ़ जाएंगे। अलग अलग भी कर सकते हो और एक भी कर सकते हो। इसने एक ही कर दी है लेकिन आपको अलग अलग करनी है, एक आपको अभी समझ में नहीं आएगी, ठीक है? तो अलग अलग जैसे मैंने समझाई है वैसे ही आपको करनी है। और किस रेशो में बांटना है? 5:3 और 2 में विभाजित करना है। अगर आपको एक समझनी है कि ये कैसे हुई है तो पहले ये समझ लीजिए। पहले आपको एंट्री करनी है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना आएगा अमाउंट? अमाउंट आएगा 80,000। 80,000 ये हो गई क्लेम की एंट्री। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू कौन कौन है? एक्स वाई और जेड ये है। तो 40,000 रुपये किस रेशो में विभाजित करने हैं? 5:3 और 2। तो एक्स को कितना मिलेगा? 12,000, ठीक है, इसको 12,000 रुपये मिल जाएंगे। वाई को कितना मिलेगा? सॉरी बे सॉरी सॉरी हाँ हाँ सॉरी 20,000 इसको मिल जाएंगे, 12,000 इसको मिल, एक मिनट रुक जरा, क्या कहते हैं, 20,000 इसको मिल जाएंगे,
12,000 इसको मिल जाएंगे और 8,000 इसको मिल जाएंगे। ये तो मैंने अलग अलग कर दी, लेकिन आपको जोड़ना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं, कंबाइंड को कहते हैं। तो कंबाइंड एंट्री कैसे करते हैं, अब आप जरा ये समझिए। पहले आप, हाँ बताइए। इसमें डेबिट वाले को जोड़ेंगे और क्रेडिट वाले को जोड़ेंगे। हाँ भाई, डेबिट वाले के साथ जैसे ये देखो, इसने बोल कह रही है डेबिट वालों को डेबिट वालों के साथ जोड़ दो, क्रेडिट वालों को क्रेडिट वालों को। सही कह रही है वो। तो अगर मैं डेबिट वालों को जोड़ता हूँ तो डेबिट वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दोनों सेम ही कंपोनेंट लिखे हुए हैं। और अगर मैं जोड़ू इनको तो कितना आएगा बेटा, 1,20,000। तो भाई दोनों सेम ही कंपोनेंट हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट और कितना लिख दूंगा, 1,20,000। और अब आती है बात क्रेडिट की। तो क्रेडिट में देखो पहली वाली एंट्री में कौन है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, और नीचे वाली एंट्री में कौन है, एक्स वाई जेड। तो ये कंपोनेंट भी अलग है और ये कंपोनेंट भी अलग है, तो इन चारों को लिख दीजिए यहाँ पे, और जिसका जितना जितना अमाउंट है वो सब लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी लिख सकते हो या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी लिख सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो श्रद्धा अनुसार लिख सकते हो। और नरेशन भी डाल सकते हो, बीइंग द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये लिख सकते हो। इसी तरीके से और देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो है वो साझेदार हैं और जी 5:3:2 में साझेदारी कर रहे थे, लेकिन अब उनका दिमाग घूम गया, अब वो कह रहे हैं जी हम तो 2:3:5 में जो है साझेदारी करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है 1,20,000 रुपये का और आपकी बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो क्लेम है वो 1,50,000 रुपये का है, 1,50,000 का। आपने अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो रिज़र्व बना रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो तो 1,20,000 का है, लेकिन एक्सीडेंट जो हो गया और क्लेम जो है वो है भाई 1,50,000 रुपये का, 1,50,000। क्या होना चाहिए सुरभि मौर्या, 30,000 रुपये जो बचे हैं ना उसको डेबिट कर। अच्छा, 30,000 बचे हैं आपके पास जो लॉस में है। पहले ये बताओ, पहली पहली एंट्री क्या करूँ, कुछ पता है पहली एंट्री का, इस ये पैसे कहाँ जाएंगे, ये 1,20,000 कहाँ जाएगा, डेबिट साइड किस डेबिट साइड कि एंट्री बताओ ना। चलो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू कहाँ कहाँ, ये पैसा क्लेम में जाएगा या साझेदारों में बटेगा, वो रिजर्व में देंगे जो क्या बोलते हैं सही। मैं बस आपसे, मैं बस बस ये बता दो ओ मेरी माँ, क्लेम में जाएगा या साझेदारों में बटेगा, साझेदारों में। अगर मैं वहीं आ गया ना, सही बता रहा हूँ, अगर वहीं आ गया तनीषा बेटा, आपने 1,20,000 का रिजर्व बना रखा है, एक्सीडेंट हो गया वर्कर का 1,50,000 का, तो 1,20,000 तो सारा का सारा पैसा क्लेम में जाएगा। ठीक है, और उल्टा 30,000 की और चपेट लगी हुई है, तो मालिक के ऊपर 30,000 की लाइबिलिटी और बढ़ गई। 1,20,000 तो रिजर्व से दे दिए और 30,000 रुपये और देने हैं, लाइबिलिटी बढ़ गई। प्रीति, लाइबिलिटी बढ़ने की एंट्री बताओ जरा फटाफट, अनम्यूट कर लो, आवाज़ तो तुम्हें आ रही है बहुत क्लियर क्रिस्टल। लाइबिलिटी, हाँ, रिवैल्यूएशन डेबिट टू, मैंने बोला लाइबिलिटी बढ़ने की एंट, हाँ, सही है सही है, बोलो बोलो। चलो, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 30,000, 30,000। और फिर इसको बांटना है, तो ये यहाँ पे बना होगा रिवैल्यूएशन, अगर मैं बनाऊँ ये यहाँ पे 30,000 रुपये आ रहे होंगे तो यहाँ पे भी 30,000 आएगा लॉस के नाम से, ये वाला लॉस के नाम से। तो अक्षिता क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी, तीसरी एंट्री, लॉस लॉस की एंट्री क्या होती है अक्षिता, हाँ हाँ बोलो ना, सही है, डरो मत, नहीं खा रहा मैं तुम्हें। पार्टनर, पार्टनर गजनी बन गई, गजनी बन गई तुम तो, 15 मिनट बाद बात करूंगा मैं तुमसे।
पार्टनर पार्टनर पार्टनर, हाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और टू रिवैल्यूएशन, देखा एक से एक है हमारे पास। लॉस की एंट्री का वहीं आ जाऊंगा, वहीं पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हाँ हाँ क्या एंट्री बता रही है, टू रिवैल्यूएशन। ठीक है पढ़ लो बेटा पढ़ लो, बहुत हालात गंभीर हैं सबके। अब देखिए अब जो है इनने फिर वही कंबाइंड, हाँ सही थी, कंबाइंड भी कर सकते हो और अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग भी कर सकते हो अपनी श्रद्धा अनुसार जैसा आप चाहते हो। बेस्ट कौन सी होती है बेटा? देखिए अकाउंट्स है ये, अगर आप प्रो बनना चाहते हो तो कंबाइंड बढ़िया है, लेकिन वो प्रो बनने के लिए आपको पहले बेसिक आना चाहिए, तभी तो कंबाइंड करोगे, जोड़ के कैसे लिखोगे। तो अभी तो फिलहाल आप बेसिक पे ही रहिए। कंबाइन नहीं करते तो मार्क्स का ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स ऐसा नहीं, कंबाइंड में ज़्यादा मिलेंगे और अलग अलग करोगे तो कम मिलेंगे, और जो जो क्वेश्चन है ही दो नंबर का कंबाइंड करोगे तो भी दो ही मिलेंगे, अलग अलग करोगे तो भी दो ही मिलेंगे, नंबर नहीं कटते। अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे हैं वो डब्ल्यू सी आर के थे, अब ज़रा आई एफ आर के समझिए। कह रहा है जी ए बी सी साझेदार हैं और वर्तमान में जो है 5-3 और 2 के अनुपात में साझेदारी कर रहे हैं, और अब वो चाहते हैं कि भविष्य में जो है 2:3:5 में साझेदारी करें। तो हमें जनरल एंट्री बतानी है, हमने अपनी बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है 20,000 रुपये का, ऐसे इधर को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000 रुपये का जब रेशो चेंज हो रही थी, और हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू 95,000 है जबकि बुक वैल्यू 1,00,000 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, तो सुरभि मैं यहाँ पे 1,00,000 लिखूँ या 95 लिखूँ? 1,00,000 जो बुक वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है बैलेंस शीट में जो शो होती है वो है 1,00,000, और मार्केट वैल्यू वो कितनी कह रहा है, कह रहा है जी 95 की हो गई, जो चीज़ आपने 1,00,000 की दिखा रखी है उसकी वैल्यू तो 95 है। तो प्रीति फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, अनम्यूट कर लो फटाफट। कितना नुकसान हो रहा है, कितना पाँच लाख का, 50,000 का, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है सुरभि? पता कंफ्यूज कर रहे हो, ऑप्शन दे के। और तो मैं तो मेरा काम है कंफ्यूज करना। तनीषा कितना है, कितना हो रहा है तनीषा? अबे यार कॉमन सेंस की चीज़ है ना, 1,00,000 वाली चीज़ की वैल्यू 95 हो गई, तो 5,000 तो है, मेरा काम है कन्फ्यूज, मैं तो ज़्यादा 1,0 लगा रहा हूँ, प्रीति लगाती है तो मैंने भी लगा दिया आज 1,0 ज़्यादा क्या है। तो 5,000 से वैल्यू डाउन हो रही है, तो उसकी भरपाई के लिए हमने कितना रिजर्व बना रखा है, 20,000 रुपये का रिजर्व बना रखा था उसकी भरपाई के लिए, 20,000 का, लेकिन वैल्यू तो केवल 5,000 से ही डाउन हुई, तो जो 5,000 हैं वो तो चले जाएंगे क्लेम में, और बाकी के 15,000 का क्या करना चाहिए अक्षिता? ये बांट देंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये तो फालतू का बना हुआ है ना, चाहे वो वर्कमैन हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, अगर फालतू का पैसा है तो वो बटेगा और जो हो रहा है वो क्लेम में जाएगा। तो अब एक एंट्रीज की, एक एंट्रीज की कंबाइन करना चाहते हो तो ठीक, अलग अलग करना चाहते हो तो वो भी ठीक। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये क्लेम की एंट्री बताई थी मैंने, 5,000 5,000, और ये 15,000 रुपये साझेदारों में बटेंगे। तो तनीषा क्या एंट्री होनी चाहिए बटने की? तनीषा जी आवाज़ आ रही है, आप बताइए भाई, आके है ना कसम से गरम गरम चिमटा लेके। क्या बताया बेटा आपने? हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या बोला आपने? ये कौन सी क्या एंट्री है आप कह रहे हो, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर, मैंने किस चीज़ की एंट्री पूछी है आपसे ये बताना जरा,
मैंने बोला इस 15,000 रुपये को बांटने की एंट्री बतानी है, आईएफआर को बांटना है ये 15,000 रुपये को। तो ये रिवैल्यूएशन कहाँ से आ गया इसमें? तनीषा आवाज आ रही है आपको? हाँ आईएफआर, अबे वो क्रेडिट वाली चीज़ उसको ख़त्म करने के लिए डेबिट मारेंगे, और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितना? 15,000। 15,000 मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप रटो ना, समझो, चाहे गलत बोलिए लेकिन समझिए उस चीज़ को कि वो डेबिट क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है। तो और क्या करूँगा मैं, हरकतें ऐसी हैं, बताइए क्या क्या एंट्री बता दियो आप। अब सारी एंट्री प्रीति बताएगी, अब प्रीति भाग जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा, प्रीति कहेगी नेट नहीं है, पागल हो गया। इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन आपका होमवर्क पे है सारे केसेस के अंदर जो मैंने बताए थे, ठीक है? ये आपको करना है, ठीक है प्रीति जी? हमारा टेस्ट कब होगा? अभी तो ये बचा है ना, अभी तो इसमें ये हो गया है वैसे हमारा, तो सारा क्वेश्चन से मत देना ना। किसके? नहीं ये हो चुका है हमारा सारा, ये वाला चैप्टर आपको बस प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर चार टॉपिक थे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सेक्रीफाइस गेनिंग न्यू रेशो एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिवैल्यूएशन। मेरी तरफ से तो कंप्लीट है, आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आप कह रहे थे कि एक बार क्वेश्चन कराओगे हाँ, अभी तो मैंने यहाँ से तो मैंने सारे करा दिए हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा।